हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे क्लास नाइन्थ का जो आपके एनसीईआरटी का प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 जो है आपका, इसी को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका वन है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो है? ठीक है, देखिए कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। यहां पे आ रहा है आपका एक नंबर जो है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत ही है कि आखिर परिमेय संख्या है क्या। अगर आप जब तक नहीं जानेंगे आखिर परिमेय संख्या है क्या, तो आप कैसे कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, या फिर आप कैसे इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को ही जान लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या आखिर है क्या, तो परिमेय संख्या यहाँ पर हम लोग जानेंगे। देखिए परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके या फिर इसको देखते हैं। देखिए वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये तो यहाँ पे आपने डिफिनेशन जाना, वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और होना चाहिए, और यहाँ पे और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे पी बटे क्यू तो होना चाहिए। देखिए और पी और क्यू क्या है आपका, पी और क्यू जो है आपका इंटीजर्स है। अब यहाँ पे बात निकल कर आती है इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स होता है पूर्णांक, यानी कि जो -1, -2, -3 यानी कि माइनस में अनंत से लेकर प्लस में अनंत तक, यानी कि -1, -2, -3 या फिर +1, +2, +3 वो जीरो के साथ लेके जीरो को छोड़कर हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसा संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर वन की बात आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, क्या आप शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए आप यहाँ पे एक नंबर करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा हाँ 01, जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब हुआ शून्य। आप जीरो देख या फिर शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाँ 01 परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अब तो यहाँ पे लिख भी आप परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है इसको आपको भी बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 क्योंकि हम लोग जीरो को या फिर शून्य को इतने के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए प्रत्येक जो नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, उसके अंदर आपको उसके अंदर जो होता है उसके नीचे कुछ ना कुछ छुपा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 ही है, 2 जो है इसके नीचे 1 छुपा है। 1 कैसे छुपा है, क्योंकि 1 से अगर हम लोग 2 में
भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, टू ही आएगा, यानी कि टू यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि टू के नीचे भी वन छुपा है। टू को छोड़िए, अगर दस भी है इसके भी नीचे वन छुपा है, क्योंकि वन से हम दस में भाग देंगे तो हमारा दस ही होगा। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो जा रहा है, कोई भी नंबर होता है उसके वन नीचे छुपा होता है, तो जीरो है इसके नीचे वन छुपा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो बटे टू भी अगर होगा तो जीरो बटे टू बराबर जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो में जीरो के नीचे कुछ भी हो वो जीरो ही होता है। तो इस चीज़ को हम लोग, इसको हम लोग समझने के लिए लिखे हैं, लेकिन बेसिकली आपका जीरो बटे वन जो है, जीरो के नीचे वन छुपा होता है, किसी भी नंबर के नीचे वन छुपा होता है, ठीक है। तो जीरो बटे वन जो है आपका, जीरो बटे वन, जीरो के जगह पर हमने पी मान लिया और वन के जगह पर हमने क्यू मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी बटे क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। और आपका डिफिनेशन क्या कहता था, वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू बराबर यहाँ पे क्या है, वन है, क्यू बराबर जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे परिभाषा जो कह रहा है उसके अनुसार जीरो को हमने देखा, ये जीरो कैसे परिमेय संख्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझे, क्योंकि जीरो को जीरो बटे वन के हम लोग रूप में लिख सकते हैं, और जीरो के जगह पे पी आ गया और वन के जगह पे क्यू आ गया, पी बटे क्यू के रूप में भी हो गया, और क्यू बराबर यहाँ पे जीरो भी आपका नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है जीरो आपका एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग समझा, ठीक है। चलिए चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर दो को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, तीन और चार के बीच छः परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, तीन और चार इन दोनों के बीच में आपको छः परिमेय संख्या फाइंड करना है, हम लोगों को छः परिमेय संख्या फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये जो है आपको आंसर में ऐसे नहीं लिखना है, ये हमने समझाने के लिए लिखा है, आपको यहाँ पे तीन और चार के बीच छः परिमेय संख्या फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड होगा, तो देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में उत्तर देना हो तो यहाँ पे आप लिखिएगा उत्तर, या फिर इसको आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो नंबर दे के ऐसे आप लिखिएगा, और कैसे बनाइएगा वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तीन और चार, तीन और चार, तीन के और चार के बीच छः परिमेय संख्या फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, परिमेय संख्या कब होता है, जब हम लोग उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है। और पी बटे क्यू के रूप में तो लिखे, लेकिन क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो चल सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान के चलिए यहाँ पर दो है और इसके बटे में हम लोग नीचे जीरो कर दिए तो ये टोटल वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो है इसके नीचे वन है तो भी यहाँ पे जीरो होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग इसके नीचे कोई अगर जीरो रख रहे हैं तो ऊपर वाला इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दो के दो को ही हमने यहाँ पे लेकर के देखा है, यहाँ पे हम लोग जीरो लेकर देखा है, नीचे वन रखेंगे तो जीरो हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो को ही रख कर देखा है। और यहाँ पे हम लोग जीरो रख के देखते तो कोई बात नहीं है, और दो रख के देखा है तो यहाँ भी आपका दो ही आना चाहिए, जो कि यहाँ पे दो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझे जो पी बटे क्यू के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन क्यू बराबर जीरो क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपने ये समझा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तीन और चार के बीच में हम लोग छः परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए तीन और चार के बीच में छः परिमेय संख्या क्या क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए छः क्या, आप यहाँ पे अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अनंत नहीं निकालेंगे, हम लोगों को छः ही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे छः निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग छः कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जब हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं तो वैसा तीन और चार, यानी कि वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो कि ऐसा तीन और चार के बीच में आए, ठीक है। तो देखिए तीन और चार के बीच में क्या आता है, 3.1 आ सकता है, 3.2 आ सकता है, 3.3 आ सकता है, ऐसे करके बहुत नंबर आ सकते हैं, जैसे कि 3.33 आ सकता है, 3.34 आ सकता है, या फिर 3.99 आ सकता है। ये जो टोटल जितना हमने यहाँ पे लिखा है तीन और चार के बीच में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग तीन और चार के बीच में परिमेय संख्या बोलो तो यहाँ पे 22/7 हो सकता है, कैसे, क्योंकि सात में अगर 22 से आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सात में जब 22 भाग दीजिएगा तो 7 × 21 ऊपर से उतरा 1 और यहाँ पे दशमलव आएगा तो 0, यहाँ पे 7 × 7 यहाँ पे 2 नितर गया। तो देखिए यहाँ पर 3.1 आ गया, इसको आप और भागा दीजिएगा तो आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन जो ये है 3 से आगे है और 4 से छोटा है,
तो ये जो है 3 और 4 के बीच में आ गया, तो एक आपका हो जाएगा 22/7। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका, चलिए अब आगे जो होगा आपका, इसको 23/7 भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में जब हम लोग 23 से भागा देंगे तो आपका जो होगा वो भी 3.1 करके और आगे यहाँ पे नंबर आएगा, लेकिन 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 24/7 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 25/7 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 26/7 भी हो सकता है और 27/7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने ये समझा हम लोग किसी भी दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। परिमेय संख्या जब भी लिखेंगे P/Q के रूप में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो है P के फॉर्म में है और नीचे वाला Q के फॉर्म में है, यानी कि P के रूप में ऊपर वाला और नीचे वाला Q के रूप में। तो यहाँ पे हमने पी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमने यहाँ पे लिखा, आप समझ चुके होंगे कैसे हमने इसको लिखा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्ज़ाम में उसका उत्तर देना हो तो इतना आप नहीं लिखिएगा, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ये जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है ये सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन उत्तर में आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा उत्तर लिख करके। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपने जाना, जब 3/5 कह रहा है और 4/5 कह रहा है, ठीक है, और 4/5, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऊपर 0 और नीचे 0, यहाँ पर भी ऊपर 0 और नीचे 0 लगा दे रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए क्योंकि अगर हम लोग इधर 0 काट दिए और इधर 0 काट दिए तो फिर 3/5 आ जाएगा, यहाँ भी हमने ऊपर नीचे काट दिया तो 4/5 आएगा, यानी कि फिर पहले वाला जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने समझने के लिए लिया है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप क्या कीजिए, एक रफ में पीछे की ओर इस एक ऐसा बना लीजिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 लिख दीजिए, और आपको क्या करना है ऊपर में नंबर बढ़ाते जाना है। ठीक है, 30/50 और 40/50 के बीच में आपका परिमेय संख्या लिखते जाना है। ठीक है, तो आपका जब यहाँ पे आंसर लिखिएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का, तो 30 से ज़्यादा क्या है, 31 है, नीचे जो है वही रहेगा, 31 से ज़्यादा 32 है, 33 है, ऐसे करके आपका आगे तक चल जाता जाएगा, 34 है, ठीक है, और यहाँ पे 35 है। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, कह रहा है 30/50 यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है, तो परिमेय संख्या यही तो होता है P/Q के जो रूप में हो और Q = 0 ना हो, यानी कि Q = जितना भी है नीचे 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ पे संख्या है, 0 नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3, 5, 50, 60 कुछ भी हो लेकिन नीचे संख्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको निकालिएगा तो आपका जो 31/50 है या फिर 32/50 है, जितना भी है वो जो है आपका 3/5 और 4/5 के बीच में आएगा। ठीक है, आप इसको इजीली समझ चुके होंगे, जब भी आपको कोई भी नंबर जैसे कि कह दे अगर 4/5 और 6/5 के बीच में, अगर आपको 10 परिमेय संख्या निकालने को कहे तो क्या कीजिए, ऊपर 0 दोनों तरफ लगाइए, बस ऐसा करते जाइए। उसके बाद क्या करना है, इसको एक एक बढ़ाते जाना है, यानी कि 41/50, 42/50 ऐसे करके आपको एक कम यानी कि 59/50 तक आपको परिमेय संख्या इसमें निकल सकता है, उसके भी आगे निकल सकता है, लेकिन आपको उससे आगे निकालने को नहीं देगा, आपको 5, 10, 12 या फिर 6, 7 इतना ही परिमेय संख्या दो नंबर्स के बीच में निकालने को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे हम लोग इसके बीच और इसके बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, यहाँ पे आपने समझा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन आपका 1.1 का बच जाता है 4 नंबर, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपको उत्तर देना है, यानी कि ऐसे उत्तर नहीं देना है, इसका कारण भी आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ईजी है, आप हम लोग इसको समझते हैं। 4 का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है,
यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्राकृतिक संख्या जितना भी होता है पूर्ण संख्या होता है। तो चलिए इसके पहले देखिए, जितना भी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितना भी होता है उसको हमने एक वीडियो लेक्चर में उसको हमने बनाया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप वहाँ पे जाइए और जानिए आखिर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या ये सब क्या होता है। जब आप वो जान जाइएगा तो आप जितना भी क्वेश्चन इस पर बनाइएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको सबसे पहले जानिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को बनाइए, बिल्कुल आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। वैसे भी इस वीडियो लेक्चर में भी आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे ये है जो आपका है सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, क्योंकि जो आपका पूर्ण संख्याएँ होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आता है। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के संग्रह में जो आपका है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक ऐसे भी लिखते हैं या फिर प्राकृतिक ऐसे भी लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या आता है। देखिए ये तो समझाने के लिए हो गया, लेकिन देखिए देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है, देखिए आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही लिखना है, हम समझाने के लिए नीचे बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है यानी कि नेचुरल नंबर, जो आपकी गिनती की संख्या होती है वन से स्टार्ट होती है, 1 2 3 करके ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या होता है, इस पर हमने एक अलग ही वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बताने के लिए एक समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। और जो पूर्ण संख्या होता है उसको हम लोग जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 7 8 9 10 करके आपका इन्फिनिटी तक ये भी जाता है, ठीक है। तो अगर प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो जोड़ दें तो वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जितना भी इसमें है वो पूर्ण संख्या होगा। तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है उसमें पूर्ण संख्या जो है यहाँ से जो है ये टोटल प्राकृतिक संख्या ही तो है, सिर्फ इसमें जीरो जुड़ा हुआ है, यानी कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक जीरो है जो कि जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है, वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। लेकिन बाकी जो नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्या में भी है, प्राकृतिक संख्या में भी है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि ये ऊपर वाला जो प्रत्येक है वो नीचे वाले प्रत्येक में है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपका यहाँ पर हमने समझा दिया, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो नंबर। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पे होगा असत्य है, असत्य है, ये जो दो नंबर है आपका असत्य है। क्योंकि असत्य क्यों है? क्योंकि देखिए -2 1 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए असत्य क्यों है? क्योंकि जो -2 है एक पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्या यानी कि P/Q के रूप में जो होता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या उसको हम लोग बोलते हैं। तो -2 है, -2 के नीचे 1 छुपा होता है, यानी कि ये P/Q के रूप में तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? तो पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे जो है -2 जो है ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस है, 1 + 2 + 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसमें -2 नहीं है, यानी कि -2 जो है आपका पूर्णांक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका असत्य है, यानी कि नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीन नंबर।
कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आपका असत्य है। असत्य है क्योंकि, देखिए असत्य इसलिए है क्योंकि कह रहा है परिमेय संख्या, यानी कि देखिए हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1/2 है, ये तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं है, हमने पहले ही बताया है, पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे जो है 1/2 इसके अंदर है, नहीं है, लेकिन 1/2 जो है ये P/Q के रूप में है, क्योंकि P=1 है और Q=2 है, तो P/Q के रूप में है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा प्रश्नवाली 1.1 नाइन्थ क्लास का वीडियो हमने समझा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं प्रत्येक नाइन्थ क्लास के एक एक एक्सरसाइज को, तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।